चलती है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हमारी ओपीडी चलती है ना, बताना सोमवार उसको। हाथ खड़ा करिए, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है जी बेटा? टाइम टेबल, वेरी गुड। किस प्रकार का आज कार्यक्रम रहा, कहाँ पर कार्यक्रम ये किया गया, मानसिक विवाह का? यहाँ आज हम लोग का कार्यक्रम जो है सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ है जी। और ये बेसिकली शनिवार वाले दिन हम लोग ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस को कवर करते हैं, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में बताते हैं। और बच्चों की अगर कोई भी समस्याएँ हैं जो पढ़ाई से संबंधित हो सकती हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रेस से संबंधित हो सकती हैं, या फिर सब्जेक्ट को चूज़ करने में क्या सावधानियां रखनी है, इससे संबंधित उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ज़िले में भी जो हमारे ज़िला अस्पताल है वहाँ पर ये मानसिक कार्यक्रम चल रहा है, जिससे जिसकी मदद से वो अपने आगे के भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। और साथ साथ उन्हें ये भी जानकारी दी गई कि अगर वो अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में अगर इस तरह की कोई भी मानसिक बीमारियां जो जिससे लोग ग्रसित हैं, उनको भी ये बताकर कि वो अपना इलाज जिला अस्पताल में ओपीडी के दिनों में जाके करा सकते हैं। स्टाफ सहित कितने छात्र और कितनी छात्राएं यहाँ पर उपस्थित रहीं इस क्रम पर? इस क्रम में लगभग यहाँ पे कुल विद्यार्थी जो थे वो 455 के लगभग थे। और इन सभी को स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुछ हाथ धोने के टिप्स के बारे में भी बताया गया, और साथ में क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं इसलिए उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे एग्जामिनेशन में जो स्ट्रेस आता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। वेरी गुड वेरी गुड। अब वही दिन बचे बचे थे भाई, ध्यान लगाना था। नाम निकाल बेटा, बैठ। तो इस सिनेरियो में बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सबके लिए, हमारे पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए।